यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। अगर आपने दूधी पसर नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ऊपर से जाना भाई, बस 60 किलोमीटर का इंतजार है जो गाइड ने बताया। मगर ये उसका बाप है यार, थक गए भाई। ओए होए होए छोटा मंकी, तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मंजिल बहुत ही करीब आ गई है। वादी कगान में वैसे तो बहुत से खूबसूरत मुकामात हैं, लेकिन अगर आपने वादी कगान की खूबसूरत झील दूधी पत्थर नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। दूधी पत्थर, इसके नाम से आपको महसूस होगा कि दूधिया। दूधी पत्थर इसको इसलिए कहते हैं कि इसके साइड पे जो पहाड़ है वो दूधिया रंग का है, बर्फ़ से ढका रहता है। नीला पानी, सरसब्ज चरागाहें, बड़े बड़े प्लेन्स, पानी के चश्मे, सब आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं, ट्रैकिंग करनी है, पैदल चलना है, गाइड के बगैर जा नहीं सकते, रास्ता पता नहीं होता, या तो गाइड को लेकर जाएं या किसी ऐसे बंदे को अपने साथ लेकर आएं जो पहले ये ट्रैक कर चुका है। जावेद भाई, कितना ट्रैक है हमारा? ये सर बेसल, ये बेसल पे हम खड़े हुए हैं। हाँ जी, बेसल। यहाँ से हम लेफ्ट पार करेंगे, ये 21 किलोमीटर रास्ता है। 21 किलोमीटर जी। मंकी रेडी हो? छिरांगे लगाते हैं और निकलते हैं, पहुँचेंगे इंशाल्लाह जी भाई। दिखाते हैं आपको, ट्रैक हमने शुरू कर दिया है बेसल से दूधी पत्थर का। अभी तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ये सामने पहाड़ है, छोटा मंकी तैयारी में है, कैमरा इसने पकड़ा है, कैमरा हैंडल करते हैं आपको अच्छी वीडियोस दिखाने के लिए, मेहनत करते हैं। मंकी इधर भी देख लो यार, साथ हो गया भाई, तेरी भी बना रहा हूँ भाई, एक दूसरे की वीडियो बन रही है। यहाँ तक अभी तक तो देखें आप, ये ट्रैक के कुछ आसार नजर आ रहे हैं, ये वॉकिंग ट्रैक सा बना बाइक, इस पर चलते रहें जहाँ जहाँ ये जा रहा है। लेकिन ये आगे बहुत हैवी किस्म के पत्थर शुरू हो रहे हैं। इन पत्थरों को क्रॉस करते हुए ऊपर से जाना भाई। ये ग्लेशियर शुरू हो गया जी, हमें ग्लेशियर को भी पार करना है। ट्रैक जो है टफ होता जा रहा है, लेकिन गाइड साहब ने बताया कि 8 किलोमीटर के बाद ये सीधा हो जाएगा।
में क्रॉस कर रहे हैं। बस उस 8 किलोमीटर का इंतज़ार है, आप जो गाइड ने बताया ऐसे 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 के बाद 8 किलोमीटर ख़त्म होंगे तो ट्रैक सीधा होगा। मंकी ट्रैक सीधा करवाओ यार। सोच रहा था कि ग्लेशियर की चढ़ाई ख़त्म हो और हम नीचे उतरे। ओ भाई ये तो नीचे उतरना तो ज़्यादा मुश्किल है। बेटा सबर कर, बड़े आएंगे। आराम राम के, आराम राम से संभल के, कुछ नहीं होने वाला। तोरले का ट्रैक हम लोगों ने किया था, हम समझ रहे थे यार कि वो बहुत मुश्किल है, मगर ये उसका बाप है यार। मक्खन खा के, देसी घी खा के, जान बना के आना यार। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए तो रास्ते में ऐसे बेशुमार चश्मे मिलेंगे आपको। और भी बाकी है। जी भाई थक गए भाई, और मुझे बताओ आपने जैकेट क्यों उतार दी है? पहले तो थकने का जवाब ले लो भाई, एक किस्म का इंसान हूँ। नहीं बंदर एक किस्म के इंसान नहीं होते, बंदर से इंसान बन जाता है ना। घोड़ों का काम है भाई सचरों का। लेकिन अभी वो जो मिले थे लोग उनसे हमने पूछा, उन्होंने भाई अच्छा किया पैदल जा रहे, घोड़े पर बंदा ज़्यादा थक जाता है। ओए होए होए छोटा मंकी तो। हाँ भाई क्या हुआ छोटे मंकी? यार मैं ना थोड़ा सा धूप का मजा ले रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं थक गया। नजर आ रहा है ठीक है। हाँ मैं थका नहीं हूँ। वी लॉग वालों को गोली दे लोगे, मुझे नहीं दे सकते, मेरे साथ ही चल रहे हो। मैं सूर्य का सूर्य नमस्कार कर रहा ये देखें जी, मुझे कितना प्यारा ये जानवर मिला है जो अक्सर देवसाई में मिलता है। इसके काफ़ी पास आ गया हूँ और मगर ये डर नहीं रहा मेरे से, ये प्यार करने वाला जानवर है। हाँ जी भाई क्या देख रहे हैं पीछे? अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। 2-3 ग्लेशियर टपे थे, सोचा था कि बस
देखो आ गया, ये तो उससे भी बड़ा। हाइट देखें इसकी, इसको भी क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। अभी मौकी तैयार हो, यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ये कैंप लगा है यहाँ पे और होटल भी है, खाना शाना भी पका देते हैं, मिल जाएगी खाना मिल जाएगा। यार मोंकी वो पीछे आपको नजर आ रहा है, वो छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है, वो सफर वाली। हाँ यार वो है मुला के बच्चे बस। हाँ और वो जो पीछे हल्का सा वो जो आपको वाइड नजर आ रहा है, मैं अभी क्लिक करता हूँ उस पे, ये इसके नीचे है दूधी बस। दूधी बस भी यार कम है। हाँ थोड़ा सा रह गया तो घंटे का भी होगा बेटा, करना तो है। यार मोंकी हाँ, वो पीछे पुल खराब देख रहे हो? मैंने तो सुना था आखिर में आएगा, इधर भी आ गया वीडियो। ये भी रोशन ट्रैक करते करते मेरी सांस फूली भी, आपको ना पता लग गया होगा कितना मैं चल के आया, लेकिन बड़ी खुशी हुई यहाँ पे कुछ ख्वातीन को देख के। ये जगह आपको बताऊँगी, पीछे जो वाइट हट नज़र आ रही है मुल्ला की बस्ती, यहाँ से तकरीबन डेढ़ घंटे का ट्रैक आगे फिर दूधी पासर जहाँ हमने पहुँचना है। लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है, कराची से आए हैं, कैसे किया आपने? पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है महविश, और जो है ये हिफ्ज़ा है, और एक अब्दुल्ला है हमारे साथ जो कि 6 साल का बच्चा है। गुड, कैसा लगा ट्रैक आपको? ट्रैक बहुत हसीन है, जब आप सारी रास्ते की मुश्किलात भूल जाएंगे, पहुंचेंगे तो वो इतनी हसीन जगह है कि आप भूल जाएंगे कि आप कितना चल के आए हैं और लेग्स में कितना पेन है या जो हालत है आपकी, खत्म हो जाएगी, सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 6 साल का बच्चा भी साथ आया? बिल्कुल, अब्दुल्ला भी ने भी पैदल ही ट्रैवल किया हमारे साथ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, देखिए थोड़े से आगे जा रहा है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जैसे मुल्ला की बसे से निकले हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है, हम लोगों ने खैर बरसाती हमने पास रख ली हैं। तकरीबन पहुंच चुके हैं
ये मेरे पीछे देखें आप पहाड़, और इस पहाड़ के सेंटर में ना दूध पसंद है। ये आखिरी 5 मिनट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। दूसरा मौकी मेरे पीछे आ रहा है, वो देखें मौकी, आ जाओ यार। आखिरी चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल, जानलेवा बहुत मुश्किल है। मंजिल बहुत ही करीब आ गई है और तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे यार। हिम्मत ऑलमोस्ट जवाब दे।